हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आपको रेस्पिरेशन ये प्रोसेस अच्छे से नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके बेसिक्स जो होते हैं उसके बारे में बात की है, तो आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप उसको देखें, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन में, उसके लिए उसके पास ऑर्गन होते हैं जिसको बोला जाता है लंग्स। ये पेयर में होते हैं और जिस जगह में ये होते हैं इसको बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। जिस स्पेस में ये लंग्स है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, मतलब अपनी जो चेस्ट की कैविटी होती है उसी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। और ये जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें लंग्स भी होते हैं और हार्ट भी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के, और इसीलिए ये प्रोटेक्टेड रहती है। ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ये प्रोटेक्टेड होती है बोन के स्ट्रक्चर से, और उसको बोला जाता है रिब्स केज। और ये जो रिब्स केज होती है, यहाँ पर आप जो बोन्स देख रहे हैं ये है रिब्स, ये रिब्स है, और इसके बीच में एक स्पेस होती है और इस स्पेस में मसल्स होते हैं। दो तरह के मसल्स होते हैं, पहले तो मसल का नाम देखते हैं। इसको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, और ये दो तरह के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर से होते हैं रिब्स केज के, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स केज के अंदर से होते हैं। अब इनका वर्क क्या है ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। फिर एक नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मसल की लेयर होती है, स्किन की लेयर बोलेंगे हम उसको, ठीक है, एकदम वो मसल की लेयर होती है, और उसी को बोला जाता है फिर डायफ्राम। और वो जो डायफ्राम होता है वही हेल्प करता है हमारे लंग्स के एक्सपांशन और उसके रिलैक्सेशन में। और जो हमारे लंग्स होते हैं वो जो विंड पाइप जहाँ से हमारी एयर ट्रैवल करती है वो पाथ होता है, वो जो रास्ता होता है, तो सबसे पहले उसमें आता है लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं लैरिंग्स। फिर आगे जो लैरिंग्स का हिस्सा होता है इसको बोला जाता है ट्रकिया, या फिर इसको इसी को हम बोलते हैं विंड पाइप जहाँ से हमारी एयर जो है वो ट्रैवल करती है, हम जो इनहेल करते हैं वो एयर ट्रैवल करती है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे ये होते हैं मसल जिसको बोलते हैं हम कार्टिलेज मसल, जो हमारे विंड पाइप को हर वक्त ओपन रखते हैं, ठीक है, ताकि एयर अच्छे से ट्रैवल कर पाए। ये जो विंड पाइप होती है या फिर ट्रकिया होती है ये आगे बाइफर्केट हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं दो पाइप्स में, इसको बोला जाता है ब्रोंकस। और जो ब्रोंकस होते हैं वो आगे फॉर्म करते हैं, बनाते हैं लंग्स को, ठीक है। तो ये हो गया जो कंस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बारे में। अभी रेस्पिरेशन में दो तरह के प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे, एक को बोला जाता है इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, दूसरा होता है एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो जब हम इनहेल करते हैं ये प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है डायफ्राम से। तो हमारा जो डायफ्राम होता है मस्कुलर ऑर्गन वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है या फिर एक्सपांड होता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वो वैक्यूम जो होता है वो फोर्स करता है लंग्स को एक्सपांड होने के लिए, तो डायफ्राम स्ट्रेच होता है और धीरे धीरे लंग्स जो है वो एक्सपांड होना शुरू कर देते हैं थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी में लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं तो उसके एक्सपांशन को हेल्प करने के लिए जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं एक्सटर्नल वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और हमारी केज जो होती है उसकी साइज जो है वो बढ़ने लगती है धीरे धीरे, और उसमें लंग्स जो है वो फूलने लगते हैं, एक्सपांड होने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो एक्सपांड होने लगते हैं एटमोसफियर में जो एयर है वो एंटर करती है लैरिंग्स में से, ट्रकिया में से, और फिर ब्रोंकस में से लंग्स में। अब जैसे वो लंग्स में पहुंचते हैं दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के बस जो डायफ्राम स्ट्रेच हुआ था, नीचे आया था, एक्सपांड हुआ था नीचे की तरफ, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है, फिर से ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसके वजह से हमारे जो लंग्स है वो फोर्स होने लगते हैं कि वो सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स हो जाए। तो जैसे जैसे ये हमारे लंग्स रिलैक्स होने लगते हैं हमारी जो केज होती है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है वो भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, रिलैक्स होने लगती है, और इसमें मदद करते हैं हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हमारी जो केज होती है वो भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर से अपनी जो ओरिजिनल स्टेट होती है उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस वर्क करते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर एंटर करती है, एयर में होता है ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो भी देखते हैं। जो ब्रोंकस होता है हमारे पिछले डायग्राम में हमने ब्रोंकस देखा था, वो आगे डिवाइड होता है ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल जो होता है वो एंड होता है इस तरह के छोटे बबल्स जैसे स्ट्रक्चर में, और इस एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोलाई जो कि होता है सैक।
जिसमें एयर एंटर करती है जैसे ही हम इनहेल करते हैं। एयर के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी आता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज होता है, मतलब मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ में, और फिर ब्लड भेज दिया जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट जो होता है वो उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन होता है पूरे हमारे बॉडी में जो है वो स्प्रेड कर देता है। तो जो ब्लड आता है वो हार्ट से आता है, जिसमें किसी भी तरह का ऑक्सीजन परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, और फिर इस एल्वियोला में आते हैं और फिर कैपिलरी में वो डिवाइड हो जाता है, और फिर से वो ऑक्सीजनेट होके मतलब उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करके फिर से उसको हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि वो हमारे पूरे बॉडी में मिक्स हो जाए। ये जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्स होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आ जाता है एयर में, और ये जो एयर होती है वो एक्सहेल आउट कर दी जाती है हमारी बॉडी से, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ दिया जाता है ताकि वो बॉडी से बाहर भेज दिया जाए। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से। मैं यहाँ पर अभी पिछली बार जो अटेम्प्ट किया था उसमें मैंने सिंपल डिफ्यूजन समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वीडियो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो मैं किसी और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा सिंपल डिफ्यूजन, हमको ऑस्मोसिस ये जो प्रोसेस होती है इनको भी समझना है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा ब्लड जो होता है हमारा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्लड में सुना होगा आपने, ये मैं हार्ट रेट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें होते हैं ब्लड्स, और हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड्स नहीं ब्लड सॉरी, जो ब्लड होता है उसमें होते हैं इस तरह से कुछ तो भी आरबीसीज, ठीक है, इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स। और इन रेड ब्लड सेल्स में एक केमिकल होता है, केमिकल जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन केमिकल होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है, और ये जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है तो ऑक्सीजन को लेकर ट्रैवल करने लगता है हमारी बॉडी में, और जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिस जिस टिश्यू में जिस जिस सेल में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करने लगता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रेस्पिरेशन के बाद में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो ब्लड में फिर डिफ्यूज कर दिया जाता है, और डिफ्यूजन का वैसे जैसे मैंने बताया अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और फिर वो ब्लड से ट्रैवल करता है फिर से लंग्स में, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी से बाहर भेज दिया जाए। तो ये था रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।